बेटा जी अस्सलाम वालेकुम। स्केलर प्रोडक्ट एंड कम्यूटेटिव देखिए, स्केलर प्रोडक्ट को चेक करना है कि ये कम्यूटेटिव लॉ की पाबंदी करता है कि नहीं। सबसे पहले तो कम्यूटेटिव लॉ समझ लीजिएगा कि दो वेक्टर्स की ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन चेंज करने से रिजल्ट चेंज नहीं होता, और यहाँ ऑपरेशन का मतलब है मल्टीप्लीकेशन। ये दो वेक्टर्स के मल्टीप्लाई करने की तरतीब बदलने से रिजल्ट चेंज नहीं होता, ये है कम्यूटेटिव लॉ। तो स्केलर प्रोडक्ट पर अगर हम इसे अप्लाई करते हैं तो ये होगा ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। कम्यूटेटिव लॉ बड़ा वर्सटाइल है। नंबरों पर अगर अप्लाई करें तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2, यानी नंबरों में मल्टीप्लीकेशन जो है वो कम्यूटेटिव है, एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव है, लेकिन सब्ट्रैक्शन जो है वो कम्यूटेटिव नहीं है, और डिवीजन भी कम्यूटेटिव नहीं होती नंबरों में। यानी ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन चेंज करने से अगर रिजल्ट चेंज हो जाए तो दिस इज नॉट कम्यूटेटिव। तो हमें चेक करना है कि दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ की पाबंदी करती है कि नहीं। इसके लिए हम प्रूफ करेंगे। मान लीजिए दो वेक्टर्स हैं ए और बी। वेक्टर ए ये है और वेक्टर बी ये है। अगर आप ए डॉट बी करना चाहते हैं तो डायरेक्शन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ए से बी की तरफ होगी। ए इज अलोंग एक्स एक्सिस, मान लिया जाए ए के साथ बी ने चूंकि एंगल थीटा बनाया है, इसलिए बी के दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे। एक बी का कंपोनेंट जो इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए होगा, ये कंपोनेंट यहां से लेकर यहां तक पूरा, इसको बी का एक्स कंपोनेंट कहने की बजाय बी का ए पर प्रोजेक्शन कहा जाएगा। याद रखिएगा ये बी वेक्टर है पूरा। तो दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट में हम जानते हैं एक वेक्टर की पूरी मैग्नीट्यूड हिस्सा लेती है और दूसरे वेक्टर का पहले वेक्टर की डायरेक्शन पर प्रोजेक्शन हिस्सा लेता है। प्रोजेक्शन ऑफ सेकेंड वेक्टर ऑनटू द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट। आप इसको बी एक्स भी कह सकते थे, बी पैरेलल भी कह सकते थे। तो इस फिगर में देखिए, यहां जो राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में बेस है बी ए, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑनटू द डायरेक्शन ऑफ ए, और हाइपोटेनस है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, इट इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो बी ए इज इक्वल टू बी कॉस थीटा है। चुनांचे मोड ए की जगह तो आप ए लिखेंगे, लेकिन बी ए की जगह बी कॉस थीटा आप लिखेंगे। इसे इक्वेशन वन कह दीजिए। अगर डायरेक्शन ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लीकेशन इज चेंज, अगर ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लीकेशन चेंज कर दिया जाए, यानी बी को ए से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो करना आपने ये है, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, इसे बड़ा बना दीजिए। अब वेक्टर बी को आपने एक्स एक्सिस पर रखना है और वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी पर परपेंडिकुलर गिराना है। ये जितना हिस्सा यहाँ कवर होगा, वेक्टर बी पर जितना हिस्सा कवर होगा, आप इसको वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रोजेक्शन कह सकते। अब इस ट्राइंगल में डायरेक्शन ऑफ एंगल फ्रॉम बी टू ए है, और इस ट्राइंगल में देखिएगा ये 90 डिग्री एंगल है। आप इसे बेस बोलेंगे जो दोनों एंगल्स को जोड़ती है साइड, और इसको अपोजिट टू 90 डिग्री साइड होने की वजह से हाइपोटेनियस कहेंगे। चुनाचे बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस थीटा होने की वजह से प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑनटू द डायरेक्शन ऑफ बी जो है वो ए उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ए कॉस थीटा। तो यहां भी आप यही कहेंगे कि दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट में एक वेक्टर की पूरी मैग्नीट्यूड हिस्सा लेती है और दूसरे वेक्टर के प्रोजेक्शन का जो दूसरे वेक्टर के प्रोजेक्शन
प्रोजेक्शन का जो फर्स्ट पर होता है वो हिस्सा लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर की मैंने आपको डेफिनेशन नंबर 2 जो बताई थी वो ये थी कि द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड प्रोजेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर ऑनटू द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। तो यहाँ पर आपने वैल्यूज पुट करनी है, मोड बी की जगह बी लिखना है और ए बी की जगह ए कॉस थीटा लिखना है। चूंकि ए और बी दोनों मैग्नीट्यूड्स हैं इसलिए आप बी ए की जगह इसे ए बी कॉस थीटा कह सकते हैं। ये इक्वेशन 2 बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर कर लीजिए। आप जानते हैं दोनों की राइट साइड इक्वल हैं इसलिए दोनों की लेफ्ट साइड्स भी इक्वल होंगी। तो इस तरह आपने साबित कर दिया कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। आपको सिंपली लिखना है स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव प्रूफ। अब हम सीखेंगे स्केलर प्रोडक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सबसे पहले तो याद रखिएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो स्केलर प्रोडक्ट के लिए डॉट प्रोडक्ट के लिए है वो है ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। बजाहिर ये बड़ा आसान और सादा नजर आता है और है भी। इसके प्रूफ के लिए मैं डायग्राम यहां बनाता हूं। देखिए यहां 3 वेक्टर्स हैं जिनमें से 2 वेक्टर्स बी और सी आपस में ऐड हो रहे हैं। लेफ्ट साइड पर गौर कीजिएगा। मान लीजिए 3 वेक्टर्स हैं जिन्हें आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के तहत ऑपरेट करवाना है। उसमें एक वेक्टर ए है अलोंग एक्स एक्सिस है, दूसरा वेक्टर आपके पास ये है बी और तीसरा वेक्टर आपके पास ये है मान लीजिए सी। 3 वेक्टर्स तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में देखिए लेफ्ट साइड बी और सी को आपने हेड टू टेल रूल के मुताबिक ऐड करना है। मान लीजिए ये सारे वेक्टर पॉइंट ओ से स्टार्ट हो रहे तो आपने बी और सी को ऐड करने के लिए सी को यहां से तोड़ना है और इसको इसी डायरेक्शन में इसी लेंथ के मुताबिक आपने उठाकर बी के हेड पर रखना है। ये आपके पास वेक्टर सी है और उसके बाद आपने क्या करना है वेक्टर बी की टेल और वेक्टर सी के हेड को मिला देना है। दिस इज बी प्लस सी अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल। आप इसे R यानी रिजल्टेंट वेक्टर कह दीजिए। आप यूं भी कर सकते हैं बेटा जी कि इस B को यहां से उठाइए फ्री वेक्टर कीजिए, इसको इसी तरह से उठा के C के हेड पर रख दीजिए। ये आपके पास B वेक्टर है। आप कह सकते हैं कि B प्लस C इज इक्वल टू R या C प्लस B इज इक्वल टू R। आप इन पॉइंट्स को पॉइंट बी का नाम दे दीजिए, इस पॉइंट को पॉइंट सी का नाम दे दीजिए, इस पॉइंट को पॉइंट आर का नाम दे दीजिए। अब आपने यहां से परपेंडिकुलर गिराना है, प्रोजेक्शन गिराना है, साया गिराना है वेक्टर ए पर। इतना हिस्सा जो कवर होगा वो वेक्टर बी का ए पर प्रोजेक्शन है और यहां से इसी तरह से प्रोजेक्शन गिराएंगे। इतना हिस्सा जो यहां पर कवर होगा यहां से लेकर यहां तक वो सी का ए पर प्रोजेक्शन है। अब आपकी टेक्स्ट बुक के मुताबिक इन पॉइंट्स के नाम रखे गए हैं। इस पॉइंट को आर ए कहा है, इस पॉइंट को बी ए कहा है। अब ध्यान रखिएगा बी ए ये अलग है, दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑनटू द डायरेक्शन ऑफ ए। कहा जा रहा है कि डायग्राम बड़ी बनाए, मोबाइल से अटेंड करोगे तो डायग्राम छोटी ही लगेगी। कितनी बड़ी बनाओ, बड़ी स्क्रीन पर अटेंड करना सीखो। डायग्राम बड़ी बना रहा हूं। दिस इज पैरेलल टू वेक्टर बी और इक्वल है, इन दोनों को मिला दीजिए। ये C प्लस बी भी है और B प्लस सी भी है। आपने इस पॉइंट को O मानना है, इनका स्टार्टिंग पॉइंट है और यहां से आपने परपेंडिकुलर गिराना है वेक्टर A पर। A पर ये जितना हिस्सा कवर करेगा B का A पर प्रोजेक्शन कहलाएगा। इसी तरह से यहां से आपने परपेंडिकुलर ड्रा करना है तो A पर
ये जितना हिस्सा कवर करेगा इतना हिस्सा कवर करेगा, देखिए इतना हिस्सा, ये सी का ए पर प्रोजेक्शन कहलाएगा। और गौर कीजिए तो आर वेक्टर जो बी प्लस सी था वो यहां से लेकर यहां तक था, दिस इज आर ए, आर ए प्रोजेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर ऑनटू द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। अच्छा, अब इस पॉइंट को बी मान लीजिए, इस पॉइंट को सी मान लीजिए, इस पॉइंट को आर मान लीजिए, तो आपका ये जो पॉइंट है दिस इज आर ए, ये जो पॉइंट है दिस इज बी ए, किताब के लिहाज से। तो ए डॉट बी प्लस सी में हमें डॉट प्रोडक्ट लेनी है ए की और बी प्लस सी रिजल्टेंट वेक्टर की, और आप जानते हैं डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन के मुताबिक ए की पूरी मैग्नीट्यूड और आर का प्रोजेक्शन लेते हैं, और आर का जो प्रोजेक्शन है, गौर कीजिएगा, आर का जो प्रोजेक्शन है आर ए, वो स्टार्ट कहां से हो रहा है, वो स्टार्ट हो रहा है ओ से, और एंड किस पर हो रहा है, आर ए। और इसके अंदर दो प्रोजेक्शंस हैं, दो प्रोजेक्शंस हैं इसके अंदर, एक प्रोजेक्शन है इसके अंदर, देखिएगा ओ आर ए, आर ए के बराबर है, ओ आर ए इज आर ए, ओ बी ए इज इक्वल टू बी ए, बी ए से लेकर आर ए तक सी ए है। और याद रखिएगा कि आपके पास जो रिजल्टेंट वेक्टर था वो बी प्लस सी भी कहला सकता है, बल्कि है, और सी प्लस बी भी है। तो दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट में एक वेक्टर की पूरी मैग्नीट्यूड और दूसरे का फर्स्ट वेक्टर पर प्रोजेक्शन हिस्सा लेता है। द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड प्रोजेक्शन ऑफ सेकेंड वेक्टर ऑनटू द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट। अब आर ए है ओ से लेकर आर ए तक था, और ये गौर कीजिए, ये ओ से लेकर बी ए प्लस बी ए से लेकर आर ए तक है, ओ बी ए इतना है, बी ए आर ए इतना है। तो आप चाहें तो ये डॉट का साइन नहीं डालिएगा, आप चाहें तो ओ बी ए की जगह बी ए लिख सकते हैं, और बी ए आर ए की जगह सी ए लिख सकते हैं। इस ब्रैकेट को खोल लें तो ए बी ए प्लस ए सी ए, चुनांचे ए डॉट बी प्लस सी, मैं रिपीट कर रहा हूं इसे, ए बी ए प्लस ए सी ए है। और आप जानते हैं डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन के मुताबिक ए इंटू बी ए क्या होता है, ए डॉट बी। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड प्रोजेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर ऑनटू द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट। इसी तरह आप देखिए ए इंटू सी ए को क्या लिखेंगे, ए डॉट सी लिखेंगे। तो आप इनमें वैल्यूज पुट कर दीजिए, साइड पर लाजमी लिखेगा, इसकी जगह क्या लिखेंगे, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। अच्छा, अब साइड वर्क थोड़ा सा मिक्सअप हो गया है, आपने ये जो वैल्यूज हैं ये वैल्यूज इसके साइड पर लिखनी हैं, और ये जो वैल्यूज हैं ये फिगर के नीचे लिखनी है। तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है बेटा जी। बेटा कोशिश किया करो कि एक तो मोबाइल से क्लास अटेंड ना करो, दूसरा हेडफोन लगाओ, तीसरा अपना लैपटॉप या कंप्यूटर टेबल पर रखा हुआ है और आप चेयर पर बैठें और तवज्जो से अटेंड करें, घर में सबके साथ बैठ के क्लास नहीं अटेंड की जा सकती। प्रूफ करने के लिए आपको पूरी एक्सप्लेनेशन करनी है कि तीन वेक्टर ए बी सी हैं जिनमें से बी और सी को हेड टू टेल रूल के मुताबिक ऐड करेंगे, और उसके बाद इन दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट का डॉट प्रोडक्ट लेंगे फर्स्ट वेक्टर के साथ, इस तरह। ये पूरा यहाँ एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेनेशन के बगैर प्रूफ नहीं किया जा सकता, और एक्सप्लेनेशन नोट्स में मौजूद। दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट में एक वेक्टर की पूरी मैग्नीट्यूड और दूसरे वेक्टर का पहले वेक्टर की डायरेक्शन पर प्रोजेक्शन हिस्सा लेता है। और यहाँ फिगर में देखिए आर ए जो है ओ से स्टार्ट हुआ है और आर ए पर खत्म हुआ है,
इसलिए इसे ओ आर ए कहा गया। और ओ आर ए में दो प्रोजेक्शंस हिस्सा ले रहे हैं, एक ओ बी ए और दूसरा बी ए आर ए। एक्चुअली ओ बी ए जो है वो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ ए है ओ बी ए, और बी ए आर ए इज द प्रोजेक्शन ऑफ सी ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ ए। फिगर में देखिए, तो आप ब्रैकेट खोल लीजिए, दीज आर ऑल स्केलर्स, दीज आर ऑल मैग्नीट्यूड्स, ये नंबर हैं, सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ए बी ए आप जानते हैं ए डॉट बी होता है, और ए सी ए ए डॉट सी होता है, डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन के मुताबिक। आखिर में कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है बेटा जी, ओके, अल्लाह हाफिज।